लड़ती है फौज नाम कप्तान का, ये सारी फौज है, हम भी फौज का हिस्सा है, आप और हम सब एक ही है, अलग नहीं है। आप जब आते हैं ना यहाँ, ये इतिहास बन रहा है। और साथियों यही हम चाहते हैं, ये बाबा साहब का सपना था। राजनीतिक बातें, मंत्रालय की बातें मंत्री जी ने सारी बता दी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे मंत्री जी ने 5 मिनट में अपनी बात खत्म की, तो मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। जब हम पूरे दिल्ली में नज़र दौड़ाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मीटिंग करते हैं जगह जगह, कल भी हमने 3 मीटिंग करी एक विधानसभा में। साथियों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं उस बात को, थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। जो भी सरकार काम कर रही है, आप जानते अच्छे से, एलजी उसमें टांग रहा है, कंधे नहीं देता, उसके बावजूद लड़ झगड़ के जो भी काम हो रहा है उसको मीडिया नहीं दिखा रहा। एक सेकंड, एक सूचना, मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है करीब 15 दिन पहले कि दिल्ली के जितने भी विभाग हैं उसमें जितने भी शुल्कास की वैकेंसी खाली है उनका सारे विभागों का डाटा निकलवाइए और इन वैकेंसी पूरा कोटा भरने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। पूरी उम्मीद है 10 दिन के अंदर पूरा डाटा आ जाएगा, उसके बाद ये सारी वैकेंसी बैकलॉग की ट्राइब की भरने की प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। 50,000 के आसपास। साथियों मैं एक बात कह रहा हूँ, ये नहीं, आप सब हैं गवाह इस बात के कि पहली बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारा मंत्री बना। मैं बिरादरी के तो बहुत बन जाते हैं, अब बिरादरी की नहीं है, ऐसे ऐसे समाज की नहीं है। बात यह है कि देखो मैं बहुत सीधी सी बता दूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं कि हम समाज हैं। आपकी पार्टी तो निकली आंदोलन से, बाकी हम जो निकले हैं हम सामाजिक आंदोलन से निकल के आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। आप में बहुत सारे लोग हैं, मुझे कई बार तकलीफ नहीं होती, हंसी आती है, मैं सम्मान भी करता हूँ उन लोगों का। अन्ना से जब जोड़ते हैं ना अपना नाम, किसी का भी पर्चे मांगो, ऐसा ही मैं अन्ना आंदोलन के टाइम से, मैं तो अन्ना आंदोलन के गांव से सही। आज क्या कर रहे हो, हम तो चौदह से जुड़े भाई, चौदह से और आज तक, क्योंकि हमने पूरा जीवन समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उसमें बहुत सारे लोग, हमारे प्रिंसिपल साहब खड़े टोपी पहन के, पंकज जी बुराड़ी से, आज से 25-30 साल पहले हमने शाखा लगा के सुबह 5 बजे इनको जोड़ा था बुराड़ी में। इसी तरीके से बहुत सारे साथी हमारे बीच में, तो जिस दर्द को लेके हम लड़ते थे, बड़े प्रदर्शन करें इस एलजी, आज तो यहाँ ऐसे जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि इसे मंत्री का घर मत समझो, अपना घर समझो, समझो नहीं आपका है भाई, जब तक मंत्रालय तब तक आपका ये घर। और यहाँ एलजी हाउस में बड़े हमने प्रदर्शन करे, एक दिन बारिश में, याद है हमें बारिश में प्रदर्शन किया हमने, इधर जिस मंत्रालय में आज हम सचिवालय में बैठते हैं वहाँ भी बारिश में बड़ा पुलिस के साथ युद्ध हुआ, समान शिक्षा के ऊपर बड़ी लड़ाई, वो तो वहाँ हुआ था शायद उसके ऊपर SC ST सर्टिफिकेट के ऊपर। और आज हम सिर्फ इतना सोचते हैं साथियों, एक बात विश्वास कर लेना, ये जो दो लोग दिखाई दे रहे ना, इन्हें आप ये 125 आदमी समझे, जो आप बैठे हैं सर, आपकी आवाज़ हम हैं, हमें वो दर्द है। टाइम टाइम पे जब हम लड़ाई लड़ते थे तो हम कहते हैं यार, इस सचिवालय में बैठे हुए लोगों को हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते थे, आज वहाँ हम बैठे हैं, किसी को आंदोलन करने की या मुर्दाबाद करने की जरूरत ना पड़े इसलिए पहले ही, क्योंकि वो सारी बातें हमारी समझ में है। एक भी निवेदन जरूर करूँगा, एक बार पता क्या होता है, अभी हमने CM साहब के वहाँ मीटिंग बुलाई, तो मैं ये नहीं कह रहा हम सबसे ज़्यादा अनुशासित हैं, बाकी हम अनुशासित हैं, सबसे ज़्यादा नहीं बाकी अनुशासित हैं। जब अनुशासन टूटता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमने सही मायने में पूरा जीवन लगाया समाज के लिए। बहुत सारे लोग गवाह बैठे, हमारे सिंहमार जी नौकरी में होते हुए इंजीनियर हैं, बाकी 30 साल से साथ, बहुत सारे अफसर हमारे साथ रहे हैं दिल्ली के। उस दिन मंत्री जी ने इतना बोल दिया जैसे अब यहाँ बोल रहे हैं, भाई आप अपनी जो भी बढ़िया सलाह हो, यह सोच के कि राजेंद्र गौतम मंत्री नहीं है, मैं मंत्री हूँ, और अगर मैं मंत्री होता तो समाज के लिए ये काम करता, उसका स्वागत है। आप आए यहाँ सलाह मुझे दें, मनोज धीरान जी को दें, लिखवाएं, मंत्री जी से मिले, बाकी वहाँ जैसे ही ये बोला
ओ अरे साहब टूट पड़े लोग, उसमें से 700 लोग, 350 लोग हमें साहब मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। अरे मेरे भाई हम एडवाइजर दो ही बहुत है, हमें बता दो। समझ नहीं आती मंत्री जी के साथ हम अपनी उस बात को कह रहे हैं, लोग सुन लेते हैं। एक बात बता दूं कड़वी भी, तो मंत्री जी मंत्री हैं, उनकी बात तो मीठी है भी, वो लगेंगी भी हमारी थोड़ी कड़वी होती है। समाज में जो आदमी रहता है बड़े कड़वे अनुभव होते हैं, तो इतनी कड़वाहट भर जाती है, ये जितना भी बैठा है ना मेरा समाज, बड़ा सुविधा भोगी समाज है, बड़ा सुविधा भोगी समाज है भाई। हमने देखा है, और किसी भाई को डिबेट को चर्चा करनी हो हम बैठ के डिटेल में बात कर लेंगे। बात सुन लो, जहाँ कहीं पद प्रतिष्ठा मिलने की बात होती है, और एक फिर देखो तुम युद्ध की स्थिति बना देते हैं। हम चाहते एक काशीराम जी ने नारा लगाया था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ऐसा नहीं है कोई सरकार को पता नहीं है, कांग्रेस 125 साल पुरानी कांग्रेस 70 साल से सरकार, उन सबको पता है कि शासन वही करता है जिस पर दलितों का मुस्लिम का साथ हो, कोई भी। और ये कर रहे हैं अपनी तिकड़म से, इनको ना दलितों का साथ है ना मुस्लिम का साथ है, ये इतने तिकड़मी लोग हैं, इनकी अब के अंटा चढ़ा, इन्होंने पूरा अंटा चढ़ा दिया। सच्चाई में कोई आप कहते रहो, बीजेपी वालों ने पूरा अंटा चढ़ा दिया। जो हमारे भाई हैं, सुनो, जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, जो और हमारे साथी हैं, उन्हें पक्का हिंदू इन्होंने घोषित कर रखा। एक चीज और बता दो, अभी शायद जानकारी ना हो, हम दूसरों के परिवारों में या दूसरों के वहां जाके तब झांकेंगे। मेरा जो निवेदन के साथ आपको आगाह करना है, ये जितने भी बैठे हैं ना, वैसे तो 2700 जातियां हैं हमारी, हम यहाँ कम से कम 8-10-15, वैसे जितनी सारी दिल्ली में जातियां उतनी करोलबाग क्षेत्र में जातियां हैं, जितनी भी हमारी जातियां हैं, जिस दिन आप हमारा प्रयास बराबर रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में राजस्थान के रहते, क्योंकि राजस्थान का प्रभारी रहा जो समता सैनिक दल था, फिर बहुत सारी जाति जाति में से जाति जाति में चमार की कम से कम 8-10 जातियां हैं। हमारा प्रयास पहले दिन से, जब से मंत्री जी के साथ है, मंत्री जी के साथ सहयोगी बन के काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो जो भी योजनाएं बना रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, भूल जाते बहुत सारी बातें, हम याद भी दिलाते हैं हर समय, क्योंकि 24 घंटे में सब लोग 5-6 घंटे सोते हैं, छुट्टी नहीं करते, सामने तारीफ नहीं, आप सब देखते हो, हम कई बार मार जाते हैं छुट्टी, छुट्टी नहीं करते। साथियों जितने भी बैठे हो, एक बिरादरी जिस दिन बन गए, आम आदमी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, ढपली मत बजाओ, अलग अलग ढपली बजाओगे नुकसान में रहोगे, जैसे आज तक रहे हो। दूसरे लोग बहुत जल्दी तुम्हें चौधरी बनाते हैं और तुम खुश हो जाते हो। अभी पता है यूपी में क्या हो रहा है, हमारे वाल्मीकि समाज के लड़कों को बुला के आरएसएस वाले तिलक लगाते, भगवा पट्टा डालते, तू काहे का वाल्मीकि है, तू तो चौहान है, चौहान लिखो सब, और तुम चौहान राजपूत हो, इन्हें दिखाई दे रहा है, अब इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो उनको चौहान राजपूत घोषित कर रहे हैं। साथियों निवेदन ये है आपसे, चमाटूड़ा धोबी खटी कोली कश्यप धाड़क बैरवा रेगड़ जितनी भी जातियां हैं, मंत्री जी ने भी पहली मीटिंग में एक नारा दिया था कि हम सिर्फ अपने आप को एक अंबेडकर समाज के नाम से, हम अंबेडकर मूवमेंट के नाम से, आप कौन है अंबेडकर वाली, हम कौन है आज साथियों के बाबा साहब की बदौलत आज जो हम यहाँ राजमहल है, भाई साहब कहाँ घुसने को मौका मिला करता था, आज आप जब जाते हैं मंत्रालय में हमारा टेलीफोन हुआ 10 है तो 10 आ जाओ ऊपर, यहाँ कभी भी आओ कभी जाओ, ये सब बाबा साहब की बदौलत जो बाबा साहब ने आज हमें ये दिया है, समझिए छोटा ऊपर नीचे मत समझो, मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, मेरा निवेदन ये है तुम्हारी लड़ाई मंत्री जी लड़ रहे हैं पूरी आपके से लड़ी जाएगी। आप जितने भी लोग हैं बोर्ड में मेंबर होंगे वहाँ पे SC/ST फंड, आज तक आपने विधायक फंड ही पूरा नहीं लगता, SC/ST फंड आपने सुना भी नहीं होगा, वो भी कहीं लगता है 1 रुपया नहीं लगा पिछले 25-30 साल में, वो फंड है जो 21-21 आदमी मेंबर बन रहे हैं, उसमें विधायक का कोई लेना देना नहीं, आपकी सलाह से आपके निर्देश आदमी उसमें पैसा लगेगा और आपने उसे मॉनिटर करना है। निवेदन फिर दोबारा से अंतिम बार में यही करूँ आपसे, जितने भी हमारे साथी हैं जो अपने आप को अनुसूचित जाति के लिखते हैं,
एक तो अपना नाम और जाति छिपाओ मत कहीं भी। यार बड़ा गर्व होता है जब लोग जानते हैं, अच्छा ये डॉक्टर सीपी सिंह सजूर का स्टेट, झटका दो दूसरे को झटका लगना चाहिए। अकल में, सकल में, बल में, बुद्धि में सबसे 21 सिद्ध कर रहे हैं आपको साथी लोग। बहुत लुटे पिटे हैं हम, हर क्षेत्र में जब 21 रहोगे दूसरे लोग सम्मान करेंगे। तो आप जो भी किसी भी बिरादरी कोशिश करो सबके साथ मिलजुल के, और इन 2 सालों में हम समझते पूरे जीवन हमारा सफल हो जाए, जीवन का जितनी भी मेहनत करिए सफल हो जाएगा। जिस दिन अभी हम पूरी दिल्ली में थोड़ा अभी सबसे निवेदन करते फिर रहे हैं, अभी विभाग परिचय सम्मेलन भी करेंगे, सब जाते हैं जितनी शेड्यूल कास्ट है, कोई ये ना पूछे किस बिरादरी का शेड्यूल कास्ट, किसी की लड़की किसी का लड़का, तो काम चलेगा। हमारे चेयरमैन साहब बैठे विजय सिंह जी, कहाँ बैठे आप, इधर आ जाओ, अरे आओ तो सही, आइए। हमारे इस जो हमारा संघर्ष रहा है इसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने साथ दिया है, जैसे विजय सिंह मार्जी का नाम है, हमारे बीच में बैठे हमारे आदरणीय विजय सिंह साहब, चीफ मैनेजर रिटायरमेंट पंजाब नेशनल बैंक से, ये बाबा साहब की देन, बड़ा बेटा MD प्रोफेसर, बेटी MD, बेटा IPS है, बहू भी IPS है, ये सब देन बाबा साहब के साथ ही। ऐसे लोगों ने इस मूवमेंट में बड़ा साथ दिया है, अगर आप संपन्न हैं तो मदद करें थोड़ा सा। हम जो उड़ाते हैं ना पैसा, हम देखते हैं लोग बहुत पैसा इधर उधर उड़ाते हैं, अभी समाज बहुत गरीब है, आपका एक दिन का उड़ाया हुआ पैसा किसी के बच्चे को साल भर की किताब कॉपी का इंतजाम हो सकता है, ये भावना रखें, ये भावना रखें, निश्चित तौर पर बड़ा संतोष मिलेगा। और जंग जारी है, इससे बड़ी बात ये बात कोरेगांव में जाके मंत्री जी ने बोली, एक जगह और जहाँ कही थी कि राजनीति थोड़े दिन, कहाँ आपका स्पीच कोरेगांव में सबको पता दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, क्योंकि आंदोलन का जो अंदर से समाज का जो दर्द कुड़कुड़ाता है ना, तो मंत्री पर बहुत छोटा पड़ जाता है। साथियों ये मंत्री आते जाते रहते हैं, बाकी आप जिस दिन इकट्ठा हो गए दिल्ली के सारे शेड्यूल कास्ट, एक बात और बता दूं, ये हरिजन बस्तियों के नाम, मंत्री जी उस बात को बताना भूलिए, जगह जगह हरिजन बस्तियाँ के नाम से हमारी बस्तियों के नाम पड़े हुए हैं। पहले तो आपसे निवेदन है, जिस बस्ती में मैं रहता हूँ उसका नाम था हरिजन बस्ती पूर्वी गोकलपुर। अच्छा, हमने जब थोड़ा सा समझ आई तो हमने उसका नाम कर दिया अमर कॉलोनी ईस्ट गोकलपुर, पूर्वी गोकलपुर अमर कॉलोनी, अमर ने वो सारी बसाई, हरिजन बस्ती निकाल दी। अपने शान मत समझा करो, हरिजन शब्द गाली है, अपने आप लिखना बंद करो। हमारे मंत्रालय की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से प्रयास चल रहा है उन बस्तियों का नाम अम्बेडकर बस्ती रखे जाए। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मनोज धीरान जी को बाकी समय अभी मेरा और था, पर मैं मनोज धीरान जी को अपना समय दे रहा हूँ। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसके लिए जय भीम नमो बताया।